नमस्कार मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी अनुदेशक व्यवसाय डॉफ्स सिविल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ आज मैं आपको व्यवसाय डॉफ्स सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से प्लास्टिक उसके टेक्टिक्स टाइप्स एंड यूजेस के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूँगा प्लास्टिक क्या होता है पहले हम थोड़ा इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक वर्तमान इंजीनियरिंग सामग्री में से एक पदार्थ है आजकल यह दुनिया भर में बाज़ार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है लंबे समय के बाद वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक के जन्म पर शोध नए उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ था या प्रारंभ किया गया था प्लास्टिक उद्योग के विकास को तीन चरणों में समूहीकृत किया जा सकता है नंबर पहला चरण विकास के पहले चरण का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से प्राकृतिक प्लास्टिक को शुरू करना या कॉपी करना था 1865 में कपूर और शराब में नाइट्रोसेलोज मिलाया गया और उत्पाद के परिणाम को परजीवी के रूप में इसको जाना गया और ये जो नाम है ये वैज्ञानिक नाम है इसका इसका उपयोग हम गियर पहियों डोरी नॉब्स आदि के लिए करते हैं दूसरा चरण दूसरा चरण इस सदी के पहले 20 वर्षों में शामिल है इस चरण में इस क्षेत्र में आगे के वैज्ञानिक विकास के लिए प्लास्टिक उद्योग ने वैज्ञानिक रूप से छानबीन की और एक स्थानीय आधार तैयार किया 1990 में डॉक्टर एल बैकलैंड ने एक उत्पाद का आविष्कार किया जिसका नाम बैकेलाइट था जो मज़बूत और कठोर सामग्री के रूप में पाया गया और अंतिम चरण अंतिम चरण में वर्तमान प्रवृत्ति और इसके मुख्य उद्देश्य शामिल हैं पुराने प्लास्टिक में सुधार और प्लास्टिक की नई किस्मों का उत्पादन इसमें शामिल है 1924 में वैज्ञानिक पोलाट्स ने यूरिया और फार्मल्डीहाइट के एक उत्पाद से एक उत्पाद तैयार किया यह कांच की तरह पारदर्शी था और यह टूटने योग्य नहीं था उसी का उत्पादन विभिन्न आकर्षक रंगों में आगे चलकर किया गया उसके बाद कंपोजिशन या रचना कैसे होती है प्लास्टिक की तो प्लास्टिक जो होता है कार्बनिक पदार्थ है प्लास्टिक में प्राकृतिक या सिंथेटिक वेंडर्स होते हैं या बिना मोल्डिंग वाले यौगिक होते हैं सामान्य तौर पर प्लास्टिक में हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन और जैसे अन्य तत्व के साथ जो है कार्बन के यौगिक होते हैं प्लास्टिक का तैयार उत्पाद सामान्य तापमान पर कठोर और स्थिर होता है पॉली मराइजेशन या बहुलकीकरण किसे कहते हैं हम ये प्राथमिक रसायन वाले पदार्थ को मोनोमर या मोनोलिथ के रूप में हम लोग जानते हैं पॉलीमराइजेशन नामक प्रक्रिया द्वारा पॉलीमर बनाने के लिए उसका संश्लेषण किया जाता है पॉलीमराइजेशन द्वारा मजबूती कठोरता लोच जैसे गुणों को अप्रमाणित किया जा सकता है पॉलीमराइजेशन के दो तरीके होते हैं जिसमें जोड़ बहुलकीकरण जिसे कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और संघनन बहुलकीकरण यानी कंसनड्रेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन या जोड़ बहुलकीकरण में इस पद्धति में हम विभिन्न अणु जो है एक साथ जुड़ते हैं परिणाम स्वरूप बहुलक का आणुविक भार प्रक्रियाशील आणुविक के कुछ आणुविक भार के बराबर होता है इस प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होते हैं पहला बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस प्रक्रिया की शुरुआत एक्स एक्सपेंशन ऑफ द चेन श्रृंखला का विस्तार इसमें किया जाता है और एंड प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समाप्त करना इस विधि में प्राप्त जो पॉलीमर होता है वो पाली इथाइलिन पॉली प्रोपाइलिन और पॉली बिनाइल क्लोराइड पाली इस्टाइनिन और पाली एराइलेट्स आदि तरह के होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या संघनन बहुलकीकरण इस विधि में बड़ी संख्या में समान या अलग अलग आणविक से बनने वाले उच्च आणविक पदार्थों से निम्न आणविक पदार्थ को हटाया जाता है प्रक्रिया प्रतिक्रिया अमोनिया नाइट अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड और इसी तरह के अन्य कम आणविक पदार्थों के विकास के साथ होती है इस विधि द्वारा प्राप्त पॉलीमर फिनोल फार्मलडीहाइड कार्बोनेट मेलामाइड, मेलामाइन और फार्मलडीहाइड आदि होते हैं अब प्लास्टिक का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे या उसको किन वर्गों में बांटा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक को हम बिहेवियर विद रेस्पेक्ट ऑफ टू हीटिंग हीटिंग के संबंध में उसका व्यवहार कैसा है उस आधार पर उसको बांटते हैं स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर के संरचना के आधार पर उसको बांटते हैं और फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उसको बांटते हैं जिन्हें हम भौतिक और यांत्रिक गुण कहते हैं तो बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू हीटिंग यानी गर्मी के साथ उसका कैसा व्यवहार है इस में प्लास्टिक को हम दो समूहों में विभाजित करते हैं जिसमें पहला हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है और दूसरा जो है थर्मो होता है तो थर्मोप्लास्टिक या हीट गैर प्रवर्तनी समूह वाला प्लास्टिक पर जो लागू होने वाला सामान्य शब्द है और जो ठंडा होने पर गर्म और कठोर हो जाता है नरम करने पर सख्त करने की प्रक्रिया को अनिश्चित समय के लिए दोहराया जा सकता है वसरते कि गर्मी के दौरान तापमान इतना अधिक न हो कि रासायनिक अपघटन हो जाए या रासायनिक अपघटन हो उसका इसलिए गर्मी और तापमान के हिसाब से इस प्लास्टिक को आकार देना और फिर से बनाना संभव होता है इस किस्म के प्लास्टिक का लाभ ये होता है कि जो घिसे पीटे या पुराने वस्तुएं होती हैं स्क्रैप जिसे हम कहते हैं उसको हम फिर से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग या हीट कन्वर्टिबल समूह वाला जो प्लास्टिक पर ये लागू किया जाने वाला शब्द है थर्मोसेटिंग इसमें उपयुक्त तापमान दबाव और पर ढाले जाने या कठोर ये हो जाता है इसे एक से 170 डिग्री के तापमान में हम गर्म करते हैं तो यह स्थायी रूप से सेट हो जाता है गर्मी के आगे के अनुप्रयोग उसके तापमान को नरम या परिवर्तित नहीं करते हैं और यह तीन डिग्री सेल्सियस पर चार्जिंग होता है यह चरखा कार्बनिक पदार्थों की एक विशिष्ट विशेषता भी होती है उसके बाद हम सजातीय प्लास्टिक या होमोजीनियस प्लास्टिक की बात करते हैं इस समूह के प्लास्टिक में कार्बन के परमाणु होते हैं और वे सजातीय संरचना का प्रदर्शन करते हैं हे, हेट्रोजीनियस प्लास्टिक या विषम प्लास्टिक ये प्लास्टिक कार्बन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और अन्य तत्व इसमें मौजूद रहते हैं और वे विषम संरचना का प्रदर्शन करते हैं इसलिए इन्हें सजातीय और विषम प्लास्टिक कहा जाता है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसके अनुसार प्लास्टिक को चार समूह में बांटा गया है जिसमें रिज्ड प्लास्टिक आते हैं इन प्लास्टिक में लोज का एक उच्च मापांक होता है और ये सामान्य मामूली रूप से बढ़े हुए तापमान पर लगाए गए बाहरी तनाव के तहत अपने ढलान को बन, बनाए रखते हैं उसके बाद सेमी रिज्ड प्लास्टिक होता है इन प्लास्टिक में लोज का एक मध्यम मापांक होता है और दबाव हटाए जाने पर दबाव में वृद्धि पूरी तरह से गायब हो जाती है यानी उसका लोच जो है ख़त्म हो जाता है और सॉफ्ट प्लास्टिक इस प्लास्टिक में लोच का एक लोम मापांक होता है और दबाव हटाने पर दबाव में बढ़ाव जो है तुरंत जो है इसका गायब हो जाता है इसलिए उसको सॉफ्ट प्लास्टिक कहते हैं इलास्टोमर्स ये प्लास्टिक नरम और लोजदार सामग्री के होते हैं जिनमें लोज का मापांक बहुत कम होता है और कमरे के तापमान पर विरूपण तेजी से इसका जो है गायब हो जाता है उसके बाद हम रेजिन्स की बात करते हैं प्लास्टिक को दो समूह में बांटा बांटते हैं हीटिंग के अनुसार और उसके व्यवहार के आधार पर रेजिन या बेंडर्स को भी मोटे तौर पर हम आ, निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं जैसे थर्मोप्लास्टिक रेजिन इसमें एल्केड होता है एल्केड इस ये जो है ग्लिसरीन और नेत्र संबंधी एन हाइड्रेंट हाइड्राइट से जो है बने होते हैं और इसमें जो है बिजली के गुण युक्त तो होते हैं उनका उपयोग हम प्लास्टिक के इस फिनॉल्स को तैयार करने के लिए करते हैं उसके बाद सेल्यूलियस ये विभिन्न सेल्यूलोज यौगिक से प्राप्त होते हैं जैसे सैल्यूलोज एसिटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट इस इससे बने प्लास्टिक कांच की तरह होते हैं वे सख्त मज़बूत और बिजली के गुण वाले होते हैं सभी प्रकार के रंगों में इनको प्राप्त करना संभव होता है इंडेन या कौमो कॉम कौमोर, कॉम ये रेजिन बहुत छोटे तापमान में जो है नरम होते हैं वे भंगुर होते हैं और फर्श टाइल रबड़ आदि के लिए या उनके निर्माण के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं मैथिली मेटोसाइक्लेट इसे एक्रेलिक नाम से भी जाना जाता है इसे कोयला या पेट्रोलियम पानी से हम लोग प्राप्त करते हैं ये प्रकाश की अल्ट्रा वायलट तरंगों को प्रसारित करता है ये एक अच्छा विद्युत का इंसुलेटर के रूप में वर्क करता है और इसे तैयार करने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सेफ्टी ग्लास आर्टिफिशियल गहने रूफ लाइट और बाथ सिंक यूनिट आदि के लिए भी करते हैं इस्टाइलिन ये उत्पाद एक एथिलीन है जो पेट्रोलियम से बनाया जाता है ये वजन में हल्का होता है और प्रकाश की अल्ट्रा वायलेट तरंग, तरंगों को प्रसारित करता है इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध होता है इसका उपयोग हम वायरलेस और टेलीविज़न उद्योग में रेडियो फ्रिक्वेंसी पर एमुलेटर के रूप में ए, करते हैं या किया जाता है उसके बाद विनाइल विनाइल यह एसिटिलीन गैस को एसिटिक एसिड या सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड के माध्यम से पारित करके इसे हम तैयार करते हैं इसका उपयोग कोटिंग्स और केबिल के लिए किया जाता है कोटिंग्स के लिए पाली इथी इथाइलिन या विनाइल रोल होता है जो कि एक सख्त पदार्थ है उसके बाद थर्मोसेटिक रेजेंस या कैसीन इसे कहा जाता है इसमें थर्मोसेटिंग में तो कैसीन एक फास्फोर प्रोटीन होता है और एसिड के साथ दूध की वर्षा से इसको प्राप्त किया जाता है या इसका निर्माण किया जाता है यह उज्जवल और आकर्षक होता है उपस्थित देता है या होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है इसका उपयोग हम जनरली जो बटन वगैरह होते हैं या बकल वगैरह होते हैं उसको बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं उसके बाद मेलामाइन या फार्मेल्डिहाइड मेलामाइन यह कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त किया जाता है जब मेलामाइन के साथ प्रक्रिया करके मेलामाइन इस रोल का निर्माण करता है इसमें विद्युत चापों का उत्कृष्ट प्रतिरोध भी होता है इसका उपयोग विद्युत इंसुलेटर ग्लास प्रबलित प्लास्टिक आदि के लिए किया जाता है फिनॉल फार्मल फिनॉल एक कार्बोलिक एसिड होता है और जिसे गर्म पानी के लिए इस हल्के प्रतिरोधी से तैयार किया गया रॉल निकाला जाता है और इसके पास यांत्रिक और विद्युत दोनों प्रकार के गुण इसमें मौजूद होते हैं इसका उपयोग हम पेंट्स वार्निश लेमिनेटेड उत्पादों की तैयारी विद्युत फिटिंग्स और डब्लू सी सीट आदि में करते हैं उसके बाद फिनॉल फर्फू फर्फुलर्फू रेली हाइड हाइड, वाष्प जब फिनॉल के साथ प्रतिक्रिया या रेजिन्स से करता है तो यह डेयर रंग है और बहुत उच्च तापमान का ये विरोध करता है यूरिया फार्मेल्डिहाइड, यूरिया कैल्शियम साइनाइड या तरल कार्बन डाइऑक्साइड और तरल अमोनिया के मिश्रण से तैयार किया जाता है यूरिया और फार्मेल्डिहाइड के साथ प्रतिक्रिया करके इस रोल का हम उत्पादन करते हैं यह तनु अम्ल और क्षार तेल रसायन जल आदि में आसानी से घुलता नहीं है इस रोल से बने प्लास्टिक का उपयोग वुड लाइट फिक्सर्स लाइक लेम्प्स एट्सेट्रा या रिफ्लेक्टर्स आदि को चिपकाने के लिए हम लोग करते हैं वांछित प्लास्टिक सामग्री को फिनिश देने के लिए प्लास्टिक में कुछ मोल्डिंग्स यौगिक जोड़ जोड़े जाते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जैसे उत्प्रेरक टाइप के या फिलर्स हैं भराव टाइप के मटेरियल्स हैं हार्डनर्स हैं जिससे प्लास्टिक हार्ड होता है लुब्रिकेंट्स है जिससे उसके अंदर सॉफ्टनेस आती है पिगमेंट्स डाले जाते हैं प्लास्टिक साइज़र डाले जाते हैं और सॉल्वेंट इसमें मिलाए जाते हैं प्लास्टिक फैब्रिकेशन में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं जो प्लास्टिक सामग्री के निर्माण में सहायक होती हैं उसमें सबसे पहले ब्लोइंग या उड़ना एक क्रिया होती है और कैलेंडरिंग की क्रिया होती है कास्टिंग की क्रिया होती है और टुकड़े टुकड़े करना या उसे लेमिनेटिंग कहा जाता है और मोल्डिंग यानी उसको एक आकार देना मोल्डिंग संपीडन टाइप की मोल्डिंग होती है और एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक एपियरेंस प्लास्टिक की दिखावट कैसी है कुछ प्लास्टिक देखने में पारदर्शी होते हैं और दूसरा रासायनिक प्रतिरोध या केमिकल रेजिस्टेंस uh, प्लास्टिक नमी रसायनों और सॉल्वेंट का प्रतिरोधक होता है कुछ प्लास्टिक जंग का प्रतिरोध करने वाले भी होते हैं अगला तीसरा पॉइंट है हमारा डाइमेंशनल स्टेबिलिटी या आयामी स्थिरता जो है ये प्लास्टिक के गुण सामान्य इंजीनियरिंग सामग्रियों के साथ बहुत संतोषजनक होते हैं उसके बाद डक्टिलिटी या लचीलापन यह लचीलापन में जो है कमज़ोर होता है और विफल भी हो सकता है उसके बाद इलेक्ट्रिक इंसुलेशन इलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्लास्टिक जो है बेहतर बिजली के इंसुलेटर के रूप में uh, जो है कार्य करता है और फिनिशिंग परिष्करण या किसी भी तरह का उपचार प्लास्टिक को हम जो है दे सकते हैं निर्माण के दौरान इस पर जो है तकनीकी नियंत्रण रखना जो है आसान होता है और सतह को एक रूपता के साथ फिनिश करना ये मनुष्य के उत्पादन का परिणाम होता है परिणाम है उसके बाद फायर रेजिस्टेंस या अग्निरोधी प्लास्टिक प्रकृति में कार्बनिक है या कार्बन के रूप में होता है और इस इसलिए सभी प्लास्टिक जो होता है ज्वलनशील या दहनशील होते हैं सेलुलोज एसिस्टेट जो है इसमें धीरे धीरे जलता है पॉलीबिनाइल क्लोराइड प्लास्टिक गैर ज्वलनशील होते हैं फेनाल फार्मल्टीहाइट और यूरिया फार्मल्टीहाइट आग का विरोध करते हैं और वे आग प्रूफिंग सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं फिक्सिंग प्लास्टिक को आसानी से किसी भी तरह से फिक्स किया जाता है जैसे इन्हें हम बोल्ट क्लेम ड्रिल सरेस या थ्रेडेड करके आसानी से जोड़ सकते हैं ह्यूमिडिटी या नमी नमी के मामले में प्लास्टिक में क्या गुण होता है प्लास्टिक के गुणों को नमी से उसी सीमा तक हम नियंत्रित कर सकते हैं जिन प्लास्टिक में पानी को आकर्षित करने वाले समूह नहीं होते हैं और पॉलीबिनाइल क्लोराइड प्लास्टिक नमी के लिए बहुत अच्छा प्रतिरोध प्रदान करते हैं मेंटेनेंस या रखरखाव प्लास्टिक की सतहों को बनाए रखना बहुत ईजी या आसान होता है और उन्हें पेंट के किसी भी सुरक्षात्मक कोट की आवश्यकता नहीं होती है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक अधिकांश प्लास्टिक में कम गलनांक होता है और कुछ प्लास्टिक जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका जो है गलनांक होता है सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक के थर्मल विस्तार को सहदक्षता स्टील की तुलना में करीब दस गुना होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल गुण क्या होता है इसका ये कई प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो पारदर्शी होते हैं और कुछ प्लास्टिक पारभाषी होते हैं यानी कम दिखाई देने वाले होते हैं कम पारदर्शी होते हैं साउंड एब्जर्बेशन ध्वनि अवशोषण इस सामग्री का अवशोषण गुणांक लगभग पॉइंट सिक्स सेवन होता है स्ट्रेंथ या ताकत प्लास्टिक यथोचित रूप से मजबूत है प्लास्टिक के सदस्यों को तन्य सामग्री के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या इनको इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टी या थर्मल गुण प्लास्टिक की तापीय चालकता कम होती है और इसकी तुलना हम लकड़ी या वुड से कर सकते हैं क्योंकि लकड़ी की भी तापीय चालकता बहुत कम होती है उसी प्रकार प्लास्टिक की भी तापीय चालकता कम होती है फॉर्मेड या विस्तारित प्लास्टिक लोडिंग थर्मल इंसुलेटरों में से एक होता है और अगला जो हमारा इसका पॉइंट है वह है वेदर रेजिस्टेंस या मौसम का प्रतिरोध प्लास्टिक सीमित किस्मों को प्लास्टिक की जो सीमित किस्में होती हैं उनको हम मौसम के संपर्क में ला सकते हैं बाकी यदि हम कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मौसम के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और अगला वेट या वज़न प्लास्टिक चाहे थर्मो प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग से, में कम विशिष्ट गुरुत्व होता है और प्लास्टिक का हल्का वज़न हमारी परिवहन लागत को कम करता है और फिक्सिंग में ये आसान होता है यूजेज ऑफ प्लास्टिक भवन निर्माण में प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में जिसमें हम प्लास्टिक को बाथ फिटिंग्स के रूप में प्रयोग करते हैं सिस्टर्न के बॉल बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं कॉरिगेटेड और सादी प्लास्टिक की सीट यानी नालीदार सीटें बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं डेकोरेटिव लेमिनेटेड एंड मोल्डिंग्स बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं बिजली के कंड्यूट्स पाइप बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं फिल्म ऑफ वाटर प्रूफिंग डैम प्रूफिंग और कंक्रीट क्यूरिंग के रूप में प्रयोग करते हैं विद्युत इंसुलेटर के रूप में हम इन्हें प्रयोग करते हैं फ्लोर टाइल्स के रूप में हम इन्हें प्रयोग करते हैं और फॉर्म्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन के रूप में हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, हैं ज्वाइंटलेस फ्लोरिंग के लिए हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं लाइटिंग फिक्सचर के लिए हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं और ओवर हेड वाटर टैंक्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं पेंट और वार्निस में प्रयोग करते हैं और पाइप्स टू कैरी कोल्ड वाटर में प्रयोग करते हैं और छत की रोशनी यानी छत में ए, से ऊपर रोशनी लाने के लिए हम ए, इनका शीटों का प्रयोग करते हैं फाइबर की और सुरक्षा या सिक्योरिटी ग्लास के रूप में हम प्लास्टिक को प्रयोग करते हैं वॉल टाइल्स हम बना सकते हैं इससे और वाटर रेजिस्टेंट एडहेसिव एट्सेट्रा कार्यों में हम इस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है प्रयोग है अब आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया प्लास्टिक उसका हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक कंपोजिशन क्या होता है प्लास्टिक का पॉलीमराइजेशन क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को हम कितने वर्गों में या भागों में बांट सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक के गुण क्या हैं और यूजेज ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को हम कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं इसके बारे में प्रशिक्षण दिया आज का प्रशिक्षण जो मैंने आपको दिया उसका संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई e बुक से प्रयुक्त किया था आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको दिया मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा धन्यवाद